नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है भव्य और कविता विद भव्य में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं कवि की बात करने वाला हूँ वो है मैथिली शरण गुप्त जी। मैं जब कॉलेज में था तब मैंने इनकी कविता की बुक ली थी यशोधरा नाम की, और तब से मैं इनकी कविताओं से, इनकी सोच से काफी अटैच हो गया था। मुझे ये कवि इसलिए पसंद है क्योंकि इन्होंने जो भी पूरी कविता लिखी है, यशोधरा जो भी पूरी कविता लिखी है वो काफी ही अपने को सोच में मजबूर कर देती, और वो जो पूरी कविता है वो असल बात नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वो बोल रहे शायद ऐसा हुआ होगा तो हमें क्या पता, शायद हुआ होगा तो वो जो बात है कि शायद ये सच्चाई हो सकती है, वो बड़ी अजीब फीलिंग देती है मुझे हर बार जब मैं पढ़ता हूं। तो ये जो पूरी कविता है वो यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी पर है। तो सिद्धार्थ मतलब भगवान बुद्ध, उनका पहला नाम सिद्धार्थ था। वो जैसे हर किसी को पता है कि वो अपने उनके पिताजी उन्हें उनके कैसल से बाहर नहीं निकलने देते थे, वहीं रहने देते थे, उनको बहुत सारी चीजें नहीं बता देते, जितनी भी बुरी चीज है या गलत चीज है उनको कभी बताई नहीं उन्होंने। और जब एक दिन अचानक से उन्होंने सारी बुरी चीज या जो चीज उन्होंने कभी नहीं देखी वो अचानक से देखी, तो वो बड़े ही अजीब स्टेट में चले गए शायद। और तभी उन्होंने एक रात डिसाइड किया, मतलब उनकी पत्नी और उनका बेटा उनके घर पर है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक रात अचानक से डिसाइड किया कि उनको ये सब छोड़कर उनको दीक्षा ले लेनी है, उनको नहीं रहना है संसार में, और वो निकल गए बुद्ध बनने के लिए। लेकिन बुद्ध की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कहानी है यशोधरा की, उनकी पत्नी की। जब सिद्धार्थ उनको छोड़ के गए तब यशोधरा क्या महसूस कर रही थी, इस पर पूरी बात। तो ये एक कविता है जिसका नाम है सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए, या गौरव की बात है पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा ध्यान है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको अपनी पतबाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देते हैं रण में क्षत्रिय धर्म के नाते, सखी ने मुझसे कहकर जाते, हुआ ना यह भी भाग्य भागा, इस पर विकल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मरण ही आते, सखी ने मुझसे कहकर जाते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते पर इनसे जो आंसू बहते सदा हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते सखी में उनसे कहकर जाए, जाए सिद्धि पावे वो सुख से, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपलब्धि दू मैं किस मुख से, अधिक वे भाते सखी में उनसे कहकर जाए, गए लौट भी आवेंगे कुछ अपूर्ण अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे पर क्या गाते गाते, सखी मुझसे कहकर जाते। बस छोटी सी बात जो मैथिली शरण गुप्त यशोधरा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मुझे कहते जाते यार, मैं कहाँ रोकने वाली थी, मुझे बस बोलते जाते, मुझे विश्वास मिल जाते। तो है कि नहीं, ये पूरी कविता अपने को सोच में मजबूर कर देती है, ऐसी कविता इन्होंने लिखी है, ऐसी पूरी बुक इन्होंने लिखी है कविताओं की, यशोधरा पर, उनके पिता पर, उनके बेटे पर, सिद्धार्थ पर, सिद्धार्थ की सोच पर, बहुत ही प्यारी बुक है वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगले शनिवार को फिर से आऊंगा मैं एक नई कविता लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और प्लीज घर पे रहिए। अंटिल आई सी यू नेक्स्ट।